रीता यहाँ कब आई? थोड़ा देर पहले चाची बुला के आई कि तरुआ इधर रख देता नहीं खा ले। एक बार दीदी जॉन भाई बहुत ही गलत भाई, लेकिन अभी ये बता बजा कि हमने के का कर जाए काहे कि अब भैया वो लड़की के घर से ना निकाले दिए और हमने होकर के बर्दाश्त नहीं के कर सकत, अब का हुई देखा जा। अब हमनी के हाथ से लगाम छूट चुकल बा, अब तो सिर्फ एक ही गो रास्ता बचल बा। ये कैसे हो करके भैया के मन में वो लड़की के प्रति जहर घोर दिया जाए, उनका मन में इकरा के प्रति नफरत पैदा करके हुई कब वो भैया आगे से ओकरा पास ना जा पावस और उनका दिल में इकरा खातिर दूरी बढ़त जाए। अब तो बस इहे करे के होई ई लड़की हमनी के घर में खाली एक नौकरानी बन के रह जाए। लेकिन ये सब कैसे होई? भैया के मन में वो लड़की खातिर नफरत के कैसे पैदा कर जाए? लेते जा। अच्छा एक और बात, अब की तोहनी लोग पार्लर वाली के बुलाईया ना तो हमू के बुला लिया। पिछला बार पार्लर वाली से सिंगार करा के बहुत आनंद आयल रहे। मीता बताओ ना आखिर भैया के मन में वो लड़की खातिर नफरत के बीच कैसे पैदा कर जाए? हमरा भी अभी कोनो ठोस रास्ता नहीं के सोचते। दीदी दीदी रीता दीदी नु चिराग भैया के कमरा से एगो अंगूठी चुराले बड़ी। कही तो नया बात ना सनसनी खेज बात बा। हाँ दीदी जोन अंगूठी हम चिराग भैया के कमरा से चुरौनी है ना वो अंगूठी वह है जोन अजीत भैया और सुधा के छेका में गायब भेल रहे। तारा पक्का याद बाना
कि ई उहे अंगूठी है जोन छेका के दिन गायब भइल रहे। कहीं कहीं एकरा के पहचाने में तरह से कोनो गलती तो नहीं के हो गई? दीदी हमरा से कोनो गलती नहीं के भई, और हमरा की अंगूठी निम्मन से याद बा। ई अंगूठी भला हम कैसे भूल सकीला दीदी? यह अंगूठी खातिर तो ओ दिन इतना बड़ा बखेड़ा भइल रहे, इतना बड़ा तमाशा भइल रहे। दीदी ई अंगूठी उहे है जो ओ दिन छेका में गायब भइल रहे।